हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज यहाँ पे रेडमी नोट 10 के लिए एक न्यू अपडेट निकल के आया है, जो कि आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको वर्जन नंबर देखने को मिल जाता है 14.0.5.0, और ये अपडेट आपको सितंबर 2023 के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे सितंबर 2023 का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिल जाता है। और आज की वीडियो में मैं इस अपडेट का फर्स्ट रिव्यू आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस अपडेट का साइज आपको 203 MB देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये छोटा सा ही अपडेट है, ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा कुछ चेंज देखने को भी नहीं मिलता है। सो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लें तो इसके बिगेस्ट चेंज की, जो इसमें देखने को मिलता है, जिसे हम वाकई कह सकते हैं अभी कुछ चेंज हुआ है, तो आपको गैलरी में देखने को मिलता है। आप यहाँ पे गैलरी में आओगे तो आप देखोगे, आप यहाँ पे जब 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो आपको एक न्यू इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ऐसे 2 कॉलम देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो, ऑल आइटम्स और कैमरा एल्बम। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो कैमरा एल्बम ओपन हो जाएगी, और ऑल आइटम्स पे क्लिक तो आपको सारी फोटोज वीडियोस आपको शो कर देगा। और जब आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके गैलरी की सेटिंग्स में आओगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैकअप का ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले आपको सिर्फ यहाँ पे गूगल बैकअप का ऑप्शन देखने को मिलता था। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे अब आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में भी अपना बैकअप ले सकते हो फोटोज या वीडियोज का, जो कि आपको अमेजिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्टोरेज रिमाइंडर में भी आप गूगल फोटोज की जगह यहाँ पे वन ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि एक न्यू फीचर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करूं, आपको अभी भी गूगल डायलर ही देखने को मिलता है, MIUI डायलर अभी नहीं आया और कोई न्यूज़ भी नहीं है, इसकी भी आएगा भी है नहीं, और आपको कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। और पावर मेन्यू भी अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया है, वही ओल्ड सा ही पावर मेन्यू आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इसकी और CPU थ्रोटल टेस्ट की, तो वो भी मैंने यहाँ पे किया था, जो कि आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे इसकी जो मैक्स परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे 93% निकल के आई है, जो कि प्रीवियस अपडेट के साथ बिल्कुल मैच करती है। जब हमने प्रीवियस अपडेट में जब आया था, प्रीवियस अपडेट, उसमें भी CPU थ्रोटल टेस्ट किया था, तो उसमें भी 93% ही मैक्स परफॉर्मेंस निकल के आई थी, यानी परफॉर्मेंस में भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे जावा टेस्ट भी मैंने किया था, जो कि आप देख सकते हो ये रिजल्ट निकल के आया था, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो नेटिव सी है वो यहाँ पे 1.64 टाइम्स फास्टर था आपका जावा के साथ। और ये अपडेट अभी सिर्फ मी पायलट टेस्टर्स के लिए ही रिलीज किया गया है। विद इन 7 to 10 days आपको इस अपडेट का पब्लिक रोल आउट भी देखने को मिल जाएगा, हर यूजर को ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का कुछ अपडेट। अगर आप चाहते हो इसके हीटिंग इशू या और भी किसी चीज पे मैं वीडियो लेके आऊं कि इसका हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।